तो भाई आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट करके मेरे से पूछा था कि Samsung Galaxy S20 FE स्मार्टफोन को क्या हमें 2023 के अंदर लेना चाहिए अगर सेल के अंदर हमें ये 27-28 हज़ार के अंदर मिलता है या फिर 30 हज़ार के नीचे मिल रहा है सेल के अंदर, तो क्या हमें ले लेना चाहिए। चलिए वो सारी चीज़ें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक बड़ी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ऑनेस्ट वीडियोज़ के लिए। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करके सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस फोन में अच्छी चीज़ें क्या मिलती है। तो स्पेक्स हम बिल्कुल भी नहीं रखने वाले। इस फोन में जो कैमरा है और इस फोन का जो डिस्प्ले है ना वो काफ़ी कमाल का है। इवन इस फोन की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलती है। इवन इस प्राइस के ऊपर 2023 के अंदर सैमसंग का यही फोन हो सकता है जहां पर आपको बॉक्स के अंदर चार्जर भी देखने को मिल रहा है और भाई आईपी रेटिंग को भी ये फोन सपोर्ट करता है। इवन इस फोन में सारी ही चीजें जो कि एक प्रीमियम फोन में होता है, बिकॉज ये फोन जब इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था ना 1 से 1.5 साल पहले, तो इस फोन की जो प्राइस थी ना वो 55,000 के करीब देखने को मिली थी और आज 30,000 के अंदर मिल रहा है, तो ये काफी कमाल की चीज हो जाती है। लेकिन भाई इस फोन में कमियां क्या है अब ये चलिए जान लेते हैं। तो भाई अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हो ना तो इन कुछ चीजों को ध्यान से सुन लो, अगर थोड़े से भी रिलेट करते हो इन चीजों से तो बिल्कुल भी इस फोन को आपको नहीं टच करना है। सबसे पहली चीज तो भाई इस फोन में जो बैटरी बैकअप है ना वो यहां पर बहुत ही कम देखने को मिलता है, पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हो चुका है। डेफिनेटली 4500 mAh की बैटरी है तो बैटरी बैकअप कम होगा, बड़ी सी स्क्रीन है। दूसरी चीज जो कि इस फोन का सॉफ्टवेयर और अपडेट, ये फोन जब लॉन्च हुआ था ना तो एंड्रॉइड 11 के साथ में आया था, लेकिन भाई अभी इस फोन में ना आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट देखने को मिल जाता है और एंड्रॉइड 13 तक का अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई याद रखना कि एंड्रॉइड 13 के बाद आपको कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा, तो यहां पर आप क्लियरली समझ लो कि भाई 2022 तक तो सॉफ्टवेयर के लिए फोन ठीक था, लेकिन भाई 2023 के अंदर मुझे लगता है ना कि आप इसे अगर इस साल यूज करोगे अगले साल तक ये कोई भी अपडेट के साथ नहीं मिलेगा, तो ये एक सोचने वाली बात हो जाती है। फाइनली गाइस एक चीज कहना चाहूंगा कि हाँ वन यूआई का जो एक्सपीरियंस है वो आपको काफी कमाल का रहने वाला है, और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो डेफिनेटली आपको इस फोन की यूआई और सॉफ्टवेयर अपडेट से उतना मतलब नहीं होगा। और तीसरी चीज जो कि इस फोन का सेल्फी कैमरा, 32 MP का सेल्फी शूटर दिया गया है बट आउटपुट उतनी अच्छी नहीं निकल कर आती जितनी की बैक कैमरे से निकल कर आती है। अब इस फोन का जो बैक कैमरा है ना वो आउटस्टैंडिंग है, कमाल की डिटेलिंग, कमाल के कलर्स निकल कर आते हैं और इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन में कह सकता हूं। लेकिन जो फ्रंट कैमरा है वो बहुत ही बेकार आपको देखने को मिल जाता है। और फाइनली मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपको सेल्फी कैमरा वाला फोन चाहिए इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप ओप्पो रिनो 8 5G को देख लेना, अगर आपको एक ब्रांड वैल्यू वाला फोन चाहिए OnePlus Nord 2D को चूज कर सकते हो, हालांकि उतना भी बहुत अच्छा फोन नहीं है बट अगर आपको OnePlus का फोन चाहिए तो ही चूज करना। बाकी अगर आपको गेमिंग करना है आईकॉन नियो 6 गेमिंग प्लस कैमरा, उस फोन की डिस्प्ले, उस फोन में बैटरी और सारी ही चीजें बहुत ही कमाल की, आप उसे चूज कर लेना। बस दो ही कमियां हैं जो कि उस फोन का फ्रंट टच ओएस और साथ में उसमें थोड़े कम 5G बैंड मिलते हैं, लेकिन 5G कनेक्टिविटी आराम से मिल जाएगी। बाकी अगर बात करें इस फोन को लेने की तो भाई जिनको एक सैमसंग का फोन चाहिए ही चाहिए और ये फोन अगर आपको ऑफर्स वगैरह में 26 से 27 हज़ार के करीब मिल रहा है मैं कहूंगा तब आपको लेना चाहिए, लेकिन 2023 के अंदर अगर मुझे इस फोन को चूज करना हो मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा। बाकी गाइस आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं एक कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।